शादियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में कोई सेलेब शादी के बंधन में ना बंधे या सगाई ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, रितेश पांडे ने सगाई कर ली है और वो भी अपने मम्मी के पसंद की लड़की से। जी हाँ, जिसमें उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। वैसे तो यूपी में लॉकडाउन लगा है और आप सभी जानते हैं कि रितेश पांडे बनारस में रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, वहीं पर ये सगाई हुई है। रितेश पांडे और उनकी होने वाली धर्मपत्नी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये टोटली अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज होती तो आप सभी को पता होता, रितेश कभी न कभी इसका खुलासा ज़रूर करते, लेकिन ये उनकी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। और ऐसे अच्छी बात भी है, अरेंज मैरिज में परिवार भी खुश रहता है और अगर परिवार खुश है तो आप अपने आप खुश हो जाते हैं। वैसे भी भोजपुरी के एलिजिबल बैचलर थे रितेश पांडे। अब भाई थे इसलिए क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी है, ये किसी के हो चुके हैं। जल्द ही ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी शादी भी होने वाली है। वैसे भोजपुरी में कई एलिजिबल बैचलर अभी भी हैं जिनके लिए भोजपुरी दर्शकों, खासकर लड़कियों का दिल आज भी धड़कता है। और उनमें सबसे ऊपर नाम है प्रदीप पांडे चिंटू, तो वहीं दूसरी तरफ हैं अरविंद अकेला कल्लू, तीसरी तरफ है समर सिंह। भाई एक बहुत लंबी लिस्ट है जहां पर आप भोजपुरी के एलिजिबल बैचलर की लिस्ट बना सकते हैं। वैसे इनमें से आपका कौन सा पसंदीदा एक्टर है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप रितेश पांडे को बधाई दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।